कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों को पैदल जाना पड़ता था, लेकिन सड़कें बन चुकी है। इस वक्त एनडीटीवी की टीम लिपुलेख दर्रे के पास पहुंच चुकी है। ये सामने लिपु दर्रा है और ये आखिरी नावी ढांग है। यहाँ से आगे की चेक पोस्ट इंडियन आर्मी के पास है। ये पूरा चाइना बॉर्डर है और यहाँ से चाइना तिब्बत बॉर्डर है और यहाँ से लास्ट यहीं तक जाया जा सकता है। तमाम जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो आर्मी आईटीबीपी एसएसबी लगातार ये कर रही है। पूरा जो ये इलाका है ये काफ़ी टफ इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पहाड़ है और वीरान इलाका है। यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं है। आर्मी के लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर काम रहते हैं और भारत की जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं, उनको सुरक्षित रखते हैं। तभी हम अपने घरों में कोई भी त्यौहार मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो या फिर अलग फेस्टिवल मनाते हैं, आराम से घूमते हैं। यही वजह है कि ये इस जगह पर इंडियन आर्मी रहती है। यहाँ से करीबन 10 से 15 किलोमीटर के बाद ये लिपुलेख दर्रा है और ये दर्रे के बाद यहाँ से चीन तिब्बत, जो चीन ने तिब्बत को कब्जा रखा है, उसका बॉर्डर लगता है और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। अभी फ़िलहाल कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है। वजह बहुत सारी है, कोविड का है और चीन के साथ जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से। लेकिन जब यात्रा शुरू हो जाएगी तो यहाँ से लोग, यात्री यहाँ पर कैलाश के मानसरोवर के दर्शन भी करेंगे और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका व्यापार भी हो सकेगा, क्योंकि यहाँ से चीन की तरफ व्यापार भी करते हैं। तो एनडीटीवी ने दिखाया कि किस तरीके से ये तमाम जो इलाके हैं कितने टफ हैं, कितने वीरान इलाके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडियन आर्मी लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। और ख़ास बात यह है कि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सबसे मुख्य रास्ता है। एनडीटीवी के लिए लिपुलेख दर्रे से किशोर रावत।